नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज आसान तरीके से ढोकला बनाना सिखाती हूँ। बनाने के सामग्री मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसके लिए चाहिए सूजी और ये बेसन। सूजी बेसन का मिक्स करके हम ढोकला बनाएंगे, बस स्पंजी बनेगा। और उसकी जो चटनी ऊपर से लगाने के लिए लेते हैं, उसमें चाहिए नींबू, राई, हरी मिर्च कटी हुई कुछ लंबे काट के, चीनी, करी पत्ता, इनो, थोड़ी हल्दी, थोड़ा नमक, ताकि नमकीन भी लगे। ये देखिए सूजी है, एक कटोरी हमने सूजी ली है, एक ही कटोरी बेसन है। अब इसको हम पहले सूखे में अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। ये सूजी डालने का तात्पर्य ये होता है कि ये बहुत स्पंजी बनते हैं, अच्छे होते हैं टेस्टी खाने में। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ये नमक है, थोड़ी सी हल्दी, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए इसको इतने पानी में इसको मिक्स करिए ताकि इसमें गांठे ना बने। और इसको ऐसे करने के बाद 10 मिनट के लिए हमने इसको रख देना है ताकि ये अच्छे से थोड़ा फूल जाए। 10 मिनट बाद हम इसको आपको बनाना सिखाते हैं। हमने उसको घोल को रखा है तैयार करने के लिए, जब तक हम इसमें छौंके की तैयारी कर लेते हैं। देखिए हमने पैन रखा है, इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, जैसे गर्म होगा। गर्म होने के तब चटनी बना रहे हैं, जब तक वो बेसन सूजी फूल जाएगी। तेल गर्म हुआ है, इसमें हमने थोड़ी राई डाल दी है। हरी मिर्चा डाल दी है, कुछ कुछ हमें मिर्चा लंबी काटी ताकि इसमें देखने में अच्छी लगती है। कई लोग लंबी मिर्चा भी खाना पसंद करते हैं। करी पत्ता हमने थोड़ा क्रश करके डाल दिए। राई और जीरा मिर्चा सब आपस में भून रहा है। हम आपको नया तरीका बताते हैं। लोग नींबू और चाशनी सब अलग से करते हैं, तो हमने ब्रेड इसी में किया है ताकि बनाने में इजी हो जाए। जैसे आपकी राई पक जाएगी, थोड़े से करी पत्ता भून जाएगा। देखिए हल्का हल्का भून रहा है। हमने देखो मध्यम आँच में ही बनाया है, तेज आँच में हमको नहीं छौंकना है, तेज आँच में राई जल जाती है। देखिए करी पत्ते भी हल्के हल्के से भूनने लगे हैं। अब देखिए राई भी चटकने लगी, मिर्चा भी हो गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, चीनी डाल देंगे, इसमें हल्का पानी डाल देंगे। जो इसको अलग प्रोसीजर करते वैसे नहीं होगा, इसी में सब हो जाएगा ताकि वो मीठा पन उसमें आए। नमक हमने उसी सामग्री में डाल दिया था। देखिए चीनी घुल गई है, घुल रही है चीनी। और नींबू भी आप इसको ऐसे करके, हम छन्नी में इसलिए करते ताकि इसे बीजे ना आए। ये देखिए नींबू छन रहा है, इसमें रस आ गया है। देखिए अब जितना खट्टा चाहते हैं उसमें डालिए। मैंने एक नींबू करा है। ये ऊपर से जब ढोकला बन जाएगा उसके ऊपर सर्व करेंगे, डालेंगे, ताकि उसके अंदर थोड़ा सा मीठापन, खट्टापन ये सब आएगा। और इसके बाद इसको हम अब उसके बाद से जो मटेरियल अभी हमने भिगोया था, 10 मिनट बाद हमें इसे बनाना है। चलिए उसकी हम तैयारी करते हैं। ये हमने गैस ऑन कर दी है, इस पर हमने भगोना रखा है, भगोने में थोड़ा पानी डाला है। फिर हम एक कटोरी में पानी भर के इसमें भगोने में ऐसे रख देंगे, तब तक ये गर्म होता है। और उसको हमने आपस में ढक दिया है जब तक ये स्टीम होता है। देखिए तैयारी करते हैं। ये प्लेट है, इसमें थोड़ा तेल ऑनियन जो लगाना चाहते हैं लगाइए, इसको ऐसे करके इसको फैला दीजिए ताकि इसमें ढोकला चुपके नहीं। ये देखिए मटेरियल है जो हमने आधे घंटे के लिए रख दिया था, अब देखिए गाढ़ा हो गया है। इसको अच्छे से इसको
अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा उसमें पानी डालेंगे। देखिए अभी बिल्कुल सही है, ये देखिए। अभी इसमें हम बनाने से पहले, जब भी हम ढोकला बनाना शुरू करें वो स्टीम हो जाए ग्रीस लगा के, इसमें हमें थोड़ा सा इनो डालना है, इसमें आपने देखिए आधा चम्मच करीब इनो डाल दिया, जितना आपका ये है। इसके बाद इसको हल्का सा दो चार बूंद पानी की डाल के इसको मिक्स करेंगे, ताकि ये खूब अच्छे से स्पंजी ढोकला बने। आप देखेंगे अच्छे से मिला लिया है। अब जो ऑयल लगी हुई प्लेट है उसमें हमने इसको डालना है, ये देखिए। मिलाने के बाद इसको ऐसे, ये देखिए इसे कैसे दिख रही है, इतना ये पतला होना चाहिए। ऐसे फैलाने के बाद ऐसे करके सो डब डब, ताकि ये पूरा अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए इसे हम भगोने में डालना, भाप सी आ रही है, फिर इस थाली को इस पे आराम से ये आ जाती है। आने के बाद इसको आराम से ढक दीजिए और 10 मिनट के लिए मध्यम आंच में इसको पकने दीजिए। ये देखिए इसको 10 मिनट हो चुके हैं कि हमने खोल के देखा। आप इसको चेक करने के लिए नाइफ लीजिए और इस पर ऐसे करके देखिए, आपको दिख रहा होगा कि इसमें कुछ भी नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब है कि ढोकला एकदम तैयार है। अगर इसमें गीलापन है तो आप इसको एक दो मिनट और रख सकते हैं। अब हमने गैस बंद कर दिया, अब इस प्लेट को हम बाहर निकालते हैं। ये देखिए मैंने प्लेट से बाहर निकाल लिया है, जो हमने छौंका था इसके ऊपर सर्व करने के लिए, ये देखिए इसको हमने सर्व कर दिया ऐसे। इसको सर्व कर दीजिए, देखिए जितना मीठापन चिकना सब थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा। और इसके करने के लिए काम की जो नाइफ होती है उसको जगह जगह से ऐसे ऐसे करेंगे, ताकि सब मीठापन थोड़ा नीचे चला जाता है। ये देखिए हमने डाल दिया है। अब देखिए इसको फिर ऐसे नाइफ से इसको ऐसे करके इसको फिर लंबा लंबा हम ऐसे काट लेते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा हो कितना स्पंजी बना है, ये देखिए इसको हमने ऐसे काट लिया। अब आपको हम एक पीस निकाल के दिखाते हैं, ये देखिए ये स्पून की सहायता से इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए ये ऐसे पीस के पीस आपको दिख रहे होंगे कितने ये मोटे पीस निकले हैं, ताकि अच्छे से ये फूल गया है। इसी तरह से हम पूरी प्लेट में इसको निकाल लेंगे, हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके पीस देखिए आप, आपको पीस से पता लगे कितनी मोटाई आई है और कितना ही स्पंजी बना है। ये देखिए कैसे स्पंज हो रहा है। ये आपको अगर मेरा बनाने का तरीका बहुत अच्छा लगा हो तो हमको शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, और बताइएगा बनने में और खाने में कैसा लगा।